मैं कंचन यादव, जय एजुकेशन गाइड में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम सही विकल्प चुनकर लिखिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्त्रियों के शरीर में फैलोपियन ट्यूब को अलग करना कहलाता है। स्त्रियों के शरीर में फैलोपियन ट्यूब को अलग करना कहलाता है, इसका है ट्यूबेक्टॉमी। बी फर्स्ट का आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, आबादी की सर्वाधिक वृद्धि का मुख्य कारण है, आबादी की सर्वाधिक वृद्धि का मुख्य कारण है, तो इसमें आएगा ए कम मृत्यु दर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है, बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है, तो ए शिक्षा के अवसर, बी उपलब्ध भौतिक सुविधाएं, सी अधिक आय के स्रोत और डी उपयुक्त सभी। तो थर्ड का है आंसर उपयुक्त डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या घनत्व अधिक है, जनसंख्या घनत्व अधिक है, इसका आंसर है सी चीन में। उसके बाद देखिए फिफ्थ देखिए, एड्स रोग फैलता है, तो इसका आंसर आएगा सी वायरस से। सिक्स्थ देखिए, यौन संक्रमित रोगों के कारक होते हैं, ठीक है, यौन संक्रमित रोगों के कारक होते हैं, ए विषाणु। नेक्स्ट सातवां देखिए, सातवां देखिए, भारत में जनसंख्या की गणना की गई थी, भारत में जनसंख्या की गणना की गई थी, इसमें आएगा ए 1891। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए, आठवां देखिए, अल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित अंग है, तो इसमें आएगा एट का आंसर आएगा ए यकृत। क्या आएगा? यकृत। नेक्स्ट देखिए नौवां, विश्व की जनसंख्या वृद्धि की दर है, विश्व की जनसंख्या वृद्धि की दर है, इसमें आएगा बी आंसर आएगा बी 2% 2%। उसके बाद देखिए, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी कहलाता है। उसके बाद देखिए, ऐसे कारण दीजिए जिससे जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है, जनसंख्या जो है अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती, क्यों, तो कम उम्र में विवाह करना और शिक्षा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।